नमस्कार दोस्तों, विधानसभा में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों नेता आमने सामने थे। अखिलेश ने सत्ता पक्ष से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सवालों की बौछार शुरू की। अखिलेश ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की जमकर कमियां गिनाई और सिर्फ यही नहीं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को छापेमार मंत्री तक कह दिया। ये हमारे जो डिप्टी सीएम है, जहां जाते हैं छापा मारते हैं, बाद में कहते हैं शर्मिंदा हो गए हम, तो क्यों आए हम छापा के लिए यहाँ पर? अरे छापा मंत्री बनोगे, कुछ कार्रवाई भी करोगे? आ जाए जवाब। जैसे झोला छाप डॉक्टर कोई मान्यता नहीं, वैसे इनकी भी होने जा रही है अभी। अरे जवाब जवाब, कोई नहीं पूछ रहा झोला छाप डॉक्टरों को, माने मंत्री ट्रांसफर हो गए, इन्हें पता ही नहीं। इसके बाद भी अखिलेश सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि इतने सारे गलत ट्रांसफर हो गए लेकिन हमारे मंत्री जी को पता ही नहीं, फिर छापेमारी किस बात की थी? अरे छापा मंत्री बनकर रह गए हो क्या? कार्रवाई कब करोगे? इनकी स्थिति झोला छाप डॉक्टरों जैसी है, जिन्हें कोई नहीं पूछता। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आगे कहा कि स्वास्थ्य सेवा का हाल ऐसा है जहां मोटरसाइकिल और अपने कंधे पर मरीज को तीमारदार लेकर जाते हैं। अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं है, बाबा की डबल इंजन की सरकार में ना तो एम्बुलेंस, ना स्ट्रेचर, ना जांच और ना दवाइयां। कोरोना के समय के हालात को प्रदेश आज भी नहीं भूल सकता। दोस्तों, सदन में अखिलेश ने जो सवाल किए उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। इंसेफ्लाइटिस आज जीरो तक पहुँच रही, इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत जीरो पर पहुँची है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। आगे उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल तक लोग नहीं पहुंच पाते थे, उन्हें हमने पहुंचाया है। आज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी जीरो पर पहुंची है। अब जैसे ही योगी आदित्यनाथ का इंसेफ्लाइटिस का जवाब आया, तो इस पर समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से तुरंत रिप्लाई करते हुए दो फोटो ट्वीट करते हुए कहा कि योगी जी, आप सदन में जापानी इंसेफ्लाइटिस पर आप साफ झूठ बोल रहे थे। जेई का नाम बदलकर AFI यानी एक्यूट फिब्राइल इलनेस नाम से मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और जेई से मरने वालों के आंकड़े कम करके आंकड़ों की बाजीगरी करी है योगी सरकार। झूठ बोलना बंद करें सीएम, पहले सही जवाब देना सीखें। सपा ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि कब तक सिर्फ झूठ बोलकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालेंगे योगी जी, अब आपके झूठ आपके सरकार के दाग और कलंक में परिवर्तित हो गए हैं। आपकी सरकार, आपके राज, आपके राजनीतिक जीवन काल पर ये ऐसा दाग और कलंक है जो किसी वॉशिंग पाउडर से भी छुटाए नहीं छूटेंगे। आपकी नाकामियां इतिहास में दर्ज होगी। इंसेफ्लाइटिस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से जानते हैं और ये बीमारी सबसे ज्यादा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में होती है। ये बुखार वायरल संक्रमण के कारण होता है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने सदन में जो सवाल उठाए हैं, क्या वो गलत हैं? यूपी के स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।